इसी तरह की यादें हैं तुम लोगों की, जो वो तुम लोगों को याद आएंगी पिक्चर्स के थ्रू। तो कावल तुम्हारी यादों से शुरू करते हैं। हाँ जी कावल की क्या याद है भाई, ये क्या कॉपी चेकिंग है कोई चीज? अच्छा क्या इसकी क्या याद है? वो मैं इस ये जो थी ना, इसकी ना टीचर्स कॉपी वगैरह चेक नहीं करते थे, तो बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था स्कूल में। तो ये रोज चेक नहीं करते कॉपी, क्योंकि ये लेट सबमिट करवाती थी ना अपनी कॉपी, तो कहते नहीं लेट वर्क है हम चेक नहीं करेंगे, फिर एंड वो मार्क्स काटते थे पेपर्स में से। तो इसी में रो रही बैठ के, तो मैं आई इसके पास, मैंने कहा ये क्या तुम क्यों रो रही हो? मैं भी छोटी थी ना, तो कहती मेरी कॉपी चेक नहीं कर रही, वो मुझे फेल कर देंगी, ये वो इस तरह की बातें। मैं कहा तो क्या हुआ, मैं चेक कर देती कॉपी। रेड पेन वो छुपा के रखा हुआ था बेड के नीचे, रेड पेन ना मिले ना किसी को कि चेकिंग हो रही है। रेड पेन मिल गया ये अचीवमेंट है। हाँ और किसी टीचर ने खाली हो गया होगा, उनको फेंक दिया, मैंने स्कूल से उठा लिया और मैंने अपने पास बेड के नीचे छुपा के रखा। अब हाँ। मैंने वो रेड पेन निकाला हाँ। और उस साइन की प्रैक्टिस की, टीचर के साइन की प्रैक्टिस, और सारी कॉपीज इसकी चेक कर दी, कंप्लीट होमवर्क कंप्लीट। उसके बाद ना वो जब, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी, मैंने होमवर्क कंप्लीट भी लिख दिया। जब स्कूल में गए तो टीचर्स को पता है कि इसकी कॉपीज चेक नहीं है, तो इसने भी सबमिट करवा दी अपनी कॉपीज अगले काम के लिए। तो उन्होंने कहा आपकी पुराना काम किसने चेक किया, और साइन उन्होंने पकड़ लिया मेरा। उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया, उन्होंने कहा आइंदा उन्होंने ऐसी हरकत की ना हम दोनों को स्कूल से निकाल देंगे। मैं कहा मैं तो हेल्प की थी, अच्छी हूं, गुड फेथ। जमाना बड़ा खराब है, हेल्प नहीं कर रहा था। अब किसकी याद है नेक्स्ट? एक दो महीना पढ़ती हूँ ना, तो मतलब तब प्रेशर होता चाहा था कि अभी पढ़ लो और अभी लास्ट टाइम है, ठीक है। अब ये क्या होता था कि मुझे एक प्रेशर होता था पेपर का, जब इसके पेपर होते थे ना तो ये सो रही होती और मैं जाग रही होती थी कि मम्मी एक थोड़ा सा पढ़ ले यार, सुबह पेपर थोड़ा सा पढ़ ले। कहती थी हाँ तुझे क्या मसला है, फिर अम्मा के पास चली थी, इसको बोले मुझे हिलाए ना, मेरा पेपर है ना, मैंने फेल होना है, तो मैंने नहीं ये पढ़ना, ठीक है। और क्या कहती, मेरी बुक लेके बैठी होती थी लिटरली, ये सोफे के इधर साथ बैठी होती थी कि ये ऐसे आएगा, ये कर लेगी ऐसे, मुझे पढ़ा रही होती थी लिटरली, और मैं ऐसे सो रही होती थी और कहती थी कि सुबह मैं कराऊंगी, मुझे इतना आता, और मुझे कहती थी कि मैं काउंट करके आऊंगी 60 मार्क्स का पेपर करके आऊंगी, और 60 से ऊपर की लिख के भी नहीं आती थी, मैं थक जाती। ये लोग हमेशा मेरे, जो मेरे से छोटा वाला भी है ना, ये टाइम से पहले घर आया होता, मैं कहती हूँ तुम कैसे टाइम से पहले आए? कहते हमसे नहीं लिखा जाता, 60 काउंट ही आ जाएंगे, और इनके आते भी थे। मैं एक मैथ्स काउंट करती थी कि चलो मेरे अकॉर्डिंगली ये 70 मार्क्स हो गए, अगर टीचर बहुत भी खींच देगा ना तो 50 मार्क्स दे देगा, तो मैं पास हो जाऊंगी, तो मैं ज्यादा नहीं लिखती। आता भी होता था, कहते हम नहीं चाहते यार कोई डिजर्विंग बच्चा है जिससे ज्यादा आने हैं, हम उसका हक मारे, हम इतने मिट्टी कहते तू अपने ये, मैंने कहा भाई हाईएस्ट मार्क्स कोई चीज होते हैं ये, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जैसे मैं और आप हैं, उन्हें पता होता है तो उसके लोगों के लिए कितना लगता है ना कि यार ये लोग तो पढ़ते ही नहीं, इनके अच्छा आता है, हम तो पढ़ते रहते उसके बाद जाके कुछ अचीवमेंट होती है। बड़ा नहीं, मेरे बगैर, मैं उन बच्चों में से जिसके बगैर पढ़े हो जाता। दिखा भाई, हाँ रेमा पप्पी की क्या कहानी है, तो क्यूट है। हम मैंने ना हमेशा से बिल्लियां पाली हैं, उसकी इजाजत थी, ये पप्पी है ना। हाँ बिल्लियों का किस्सा, पपी की इजाजत नहीं। अच्छा। थी लेकिन मुझे बहुत शौक था, मतलब मुझे ना हर बार कोई दौरा पड़ता है कुछ महीनों बाद, मैं कहती मम्मा मैंने कुत्ता लेना, ये कौन सी बात है। हाँ। मम्मा कहती है बाद में आगे जाके लेना। तो मैंने अब एक दफा ना मैं ले आई और मैंने इसको अपनी टीम में डाल दिया, मैंने कहा किसी को तुमने बताना नहीं है। और हम, वो छोटा सा था, बिल्कुल बिल्ली जैसी उसकी आवाज़ थी, बिल्कुल छोटा सा पपी था, और मैंने उसको शायद एक हफ्ते तक छुपाए रखा था अपने कमरे में। मम्मा सुबह जाती हैं, शाम को काम से आती हैं, तो मम्मा को पता नहीं चलता, फिर किचन विचन में लग जाती, तब तक वो सो जाता था। और फिर एक हफ्ते बाद जब पता चला, फिर क्या वो, फिर आगे क्या, पप्पी के साथ आगे की बाहर थे, ये मुझे धोखा देकर फिर दोस्त के घर भाग गया। डंडा उठाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।